बुधवार रात जम्मू कश्मीर के डोडा के ठाठरी में बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। सभी के शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं और 2 लोग अब भी लापता हैं। अभी एक और परिवार के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कई मकानों और दुकानों को भी भारी नुकसान पहुँचा है। बादल फटने से आकस्मिक बाढ़ आ गई, जिसके चलते कस्बे के निकट जमाई मस्जिद इलाके में बहने वाले नाले का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बचाव दल के साथ ही आसपास के लोग भी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। आसपास के इलाके में पानी भरने से बचाव कार्य में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।